स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल उपवन में। मैं मधुरी माँ, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे एक फ्लावर वाइन अपराजिता के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों ये एक होली प्लांट है, इसके फूल को बहुत पवित्र समझा जाता है। नाम इसका अपराजिता है, जिसका मतलब किसी से पराजित नहीं होना होता है। शायद इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के कारण ही इसका नाम अपराजिता रखा गया होगा। इसका एक और नाम है, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंख पुष्पी विष्णुकांत, और एक और नाम है कैलिटोरिया टेरनेटिया। ये आजकल कई रंगों में आते हैं दोस्तों। मेरे पास 3 रंग में है, एक सफ़ेद, वाइट ब्लू और लाइट ब्लू। ये सिंगल और डबल दोनों वैरायटी में आते हैं। ये आसानी से इसके सीड्स के द्वारा लगाए जाते हैं, जो बहुत जल्द ही ग्रो कर लेते हैं, बहुत जल्द ही बढ़वार पकड़ लेते हैं। इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में लगाने के लिए 10 से 12 इंच का पॉट चाहिए। इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं तो अच्छा रहेगा, इसे अच्छा समझा जाता है। इसे किसी सहारे की ज़रूरत के लिए आप बालकनी के रेलिंग में या कोई सपोर्ट देकर भी लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसमें सीड्स बनते हैं जो कि बिल्कुल मटर की फलियों जैसे होते हैं। इसके सूख जाने पर आप इसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे मॉस सॉइल पसंद है। आप इसमें पानी या नमी हमेशा बनाए रखें गमले में अगर इसे लगाते हैं तो। दोस्तों ये फरवरी से ब्लूमिंग स्टार्ट कर देता है, ठंडे में कम हो जाता है। ज़मीन पे ये कम फूलता है ठंडे के दिनों में, विंटर के दिनों में। अब टेरेस या बालकनी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है दोस्तों, शायद वो वहाँ विंटर में भी फ्लावरिंग देता होगा। इसमें पेट्स आदि नहीं लगते हैं, कभी भी नहीं लगते हैं। मेरे पास ये पिछले 4 साल से है, ये मदर प्लांट नहीं है। देखिए इसके फूल भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर इसकी सॉइल की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% काउ डंग, बर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड और 10% में आप नीम के एक फंगिसाइड और कुछ मस्टर्ड केक भी मिला सकते हैं दोस्तों। इसे वाटरिंग तभी कीजिए जब बहुत ज़्यादा पानी सूख जाए, वैसे इसे नमी हमेशा पसंद आती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके कई सारी दवाइयाँ अलग अलग चीज़ों के लिए बनती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो अब मैं किसी नए वीडियो पे नए पौधे के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।